अगली खबर की ओर। आज योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। आपको बता दें कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल राजभवन में नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगी। सीएम योगी करीब 2.5 साल के बाद कैबिनेट में कर रहे हैं फेरबदल। मंत्रिमंडल में फेरबदल से पहले 5 मंत्रियों ने इस्तीफा भी दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया। इसी के साथ आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का ये जो जिम्मेदारी है, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, उनका कद बढ़ सकता है। केशव प्रसाद मौर्य को कई और विभागों की जिम्मेदारी मिल सकती है। और इसी के साथ अब योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार आज होगा और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जो है शपथ दिलाएंगी मंत्रियों को। आज ये कार्यक्रम रखा जाएगा लखनऊ में। आज योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल राजभवन में नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगी। केशव प्रसाद मौर्य को कई और विभागों की जिम्मेदारी मिल सकती है, उनका कद बढ़ सकता है। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल राजभवन में नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगी और इसके साथ सीएम योगी करीब 2.5 साल के बाद कैबिनेट में फेरबदल कर रहे हैं और मंत्रिमंडल में फेरबदल से पहले 5 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। सीएम योगी ने उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया। इसी के साथ वो मंत्री जिनका कद बढ़ सकता है, उनमें से हैं एक उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जिनका कद बढ़ सकता है, जिनको बड़ी जिम्मेदारी और कई विभाग जो है जिनको मिल सकते हैं।